अब वही कहावत है कि जब हमारी इज्जतें नहीं है तो बेइज्जत कौन है। अब वही कहावत है कि जब हमारी इज्जतें नहीं है तो बेइज्जत कौन है। जब हमारी इज्जत ही नहीं तो बेइज्जती कैसी। ओम प्रकाश राजभर के मुंह से निकले ये शब्द उनके उस दर्द को बयां कर रहे हैं जो जाने अनजाने में अखिलेश यादव की तरफ से उन्हें दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कई सीटों पर चुनाव हुए, एमएलसी चुनाव भी हुए, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले जो तवज्जो सुभाषपा को दी जाती थी वो हाल के दिनों में कम होती नजर आई, जिसका दर्द भी ओपी राजभर की आंखों में छलक पड़ा। सुभाषपा अध्यक्ष की नाराजगी साफ तौर पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ नजर आती है, क्योंकि वो यूपी विधान परिषद चुनाव के लिए समाजवादी गठबंधन की तरफ से एक भी सीट नहीं मिलने से खफा है। आपको बता दें कि सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीयूष मिश्रा की तरफ से किए गए एक ट्वीट में लिखा गया था कि एक सहयोगी 38 सीटों पर लड़कर 8 सीटें जीतता है तो उन्हें राज्यसभा, लेकिन हमें वहां पर कोई एतराज नहीं। जब हम 16 सीट लड़कर 6 जीतते हैं तो हमारी उपेक्षा, ऐसा क्यों। इसे लेकर भी जब राजभर से सवाल पूछा गया तो जो जवाब उन्होंने दिया उसे सुनकर शायद अखिलेश यादव के भी होश उड़ जाएंगे। अपने जवाब में राजभर ने कहा कि मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। हमारे मनसा नहीं है कि हम उनसे मांगने जाएं, क्योंकि हमारे पास मात्र 6 ही मिले हैं और चाहिए मुझे 31। अगर मेरे पास 20 होते, 25 होते तो फिर हम उसके हकदार होते। हमारी वो हैसियत नहीं है तो हम अपनी हैसियत के हिसाब से ही चादर फैलाते हैं। राजभर के इस बयान के बाद अब सियासी गलियारों में इसे लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या अखिलेश यादव की तरफ से मिले धोखे के बाद अब ओपी राजभर जल्दी गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं क्या। ऐसा इसलिए भी क्योंकि राजभर पहले भी अखिलेश यादव पर एसी कमरों से बाहर निकलकर राजनीति करने का तंज खुलेआम कस चुके हैं, और जिस तरह से उनकी नाराजगी देखी जा सकती है तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ओपी राजभर के साथ छोड़ देने से अखिलेश यादव नई मुसीबतों में जरूर पड़ सकते हैं। अब वही कहावत है कि जब हमारी इज्जतें नहीं है तो बेइज्जत कौन है। अब वही कहावत है कि जब हमारी इज्जतें नहीं है तो बेइज्जत कौन है। मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, कहे ना किसी से। हमारे मनसा नहीं है कि हम उनसे मांगने जाएं, क्योंकि हमारे पास मात्र 6 ही मिले हैं और चाहिए मुझे 31। अगर मेरे पास 20 होते, 25 होते तो फिर हम उसके हकदार होते। हमारी वो हैसियत नहीं है तो हम अपनी हैसियत के हिसाब से ही चादर फैलाते हैं।